हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सटीक ज्ञान। आपका मैं अपना पीके लेके हाजिर हूँ डेली करंट अफेयर्स का वीडियो। आज है 17 मई 2022 से करंट अफेयर्स के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले नए देखने वाले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आज का, किस देश के राष्ट्रपति शेख खलीफा बिन जायद अल नहयान का निधन हो गया है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, यूएई देश के। संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति और अबू धाबी के शासक शेख खलीफा बिन जायद अल नहयान का निधन हो गया है। उन्होंने 3 नवंबर 2004 से संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति और अबू धाबी के शासक के रूप में कार्य किया था। राष्ट्रपति मामलों के मंत्रालय ने संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति महामहिम शेख खलीफा बिन जायद अल नहयान के निधन पर यूएई, अरब और इस्लामी राष्ट्र और दुनिया के लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। चलिए आपको यूएई के बारे में बताते हैं। यूएई की कैपिटल थी अबू धाबी है। प्रेसिडेंट है खलीफा बिन जायद अल नहयान, जो कि इनका हाल ही में निधन हो गया है। करेंसी है यूएई दिरहम। पार्लियामेंट नेम है फेडरल नेशनल काउंसिल। अगले क्वेश्चन पर जाने से पहले वीडियो पसंद आ रहा हो तो एक लाइक ज़रूर कर दें। साथ ही में आप हमारे टेलीग्राम चैनल सटीक ज्ञान को ज्वाइन करना ना भूलें। वहाँ आपको इस वीडियो का PDF मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, किस बैंक ने अपना ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ट्रेड NXT लॉन्च किया है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ट्रेड NXT को लॉन्च किया है। यह कॉरपोरेट और MSME को अपने स्थान से सीधी सीमा पार निर्यात आयात लेन देन करने में सक्षम बनाता है। यानी अब कंपनियों को इसके लिए बैंक शाखा में जाने की आवश्यकता नहीं होगी। चलिए आपको यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के बारे में बताते हैं। इसके प्रबंध निदेशक और CEO हैं राजकिरण राय जी। इसका यूनियन बैंक ऑफ इंडिया मर्ज किया गया है आंध्रा बैंक और कॉरपोरेशन बैंक के साथ। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय है मुंबई महाराष्ट्र में। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। हाल ही में किस राज्य ने पुरानी पेंशन योजना को बहाल किया है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, छत्तीसगढ़ राज्य ने। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने अपने बजट वक्तव्य में राज्य के कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना यानी ओल्ड पेंशन स्कीम को वापस करने और मासिक विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास राशि को चौगुना करने की सरकार की योजना की घोषणा की है। उन्होंने बजट के कागजात गाय के गोबर के बने ब्रीफकेस में रखे थे। चलिए चलते हैं, आपको छत्तीसगढ़ के बारे में बताते हैं। बात करें, छत्तीसगढ़ का गठन 1 नवंबर 2000 को हुआ था। वर्तमान मुख्यमंत्री हैं श्री भूपेश बघेल जी, जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। गवर्नर हैं सुश्री अनुसुईया उइके जी। कैपिटल रायपुर। बात करें, लोकसभा सीट 11, राज्यसभा सीट 5, टोटल डिस्ट्रिक्ट है 27। चलिए आपको मैप में दिखाते हैं, ये मैप में छत्तीसगढ़। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। किस प्रख्यात संस्कृत और हिंदी विद्वान व्यक्ति का निधन हो गया है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर रमाकांत शुक्ला जी का। प्रतिष्ठित संस्कृत और हिंदी विद्वान तथा पद्मश्री धारक डॉक्टर रमाकांत शुक्ला का निधन उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में हो गया है। उनका जन्म यूपी के बुलंदशहर जिले के खुर्जा शहर में हुआ था। डॉक्टर रमाकांत शुक्ला दिल्ली में देववाणी परिषद के संस्थापक और महासचिव भी थे और संस्कृत में एक त्रैमासिक पत्रिका अरा वासनी संस्कृतम के संस्थापक, अध्यक्ष और संपादक भी थे। चलिए आपको इमेज में दिखाते हैं, ये आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं, ये हैं डॉक्टर रमाकांत शुक्ला, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस हाल ही में कब मनाया गया। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, 12 मई 2022 को। हर साल अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस 12 मई को मनाया जाता है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल की जयंती को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस के रूप में मनाया जाता है। नर्सों द्वारा समाज के लिए किए गए योगदान को चिन्हित करने के लिए यह दिन मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस 1965 के बाद से अंतर्राष्ट्रीय नर्स परिषद यानी इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सेज द्वारा मनाया जाता रहा है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ।
हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दे दिया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, श्रीलंका देश के प्रधानमंत्री ने। बात करें हाल ही में श्रीलंका के प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे ने श्रीलंका के राष्ट्रपति को के रूप में अपना राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री के रूप में अपना इस्तीफा दे दिया है। श्रीलंका के प्रधानमंत्री ने इस्तीफा इसलिए दिया क्योंकि आर्थिक संकट और तेज विरोध और हिंसा के बीच श्रीलंकाई नागरिक प्रधानमंत्री के इस्तीफे की मांग कर रहे थे। साथ ही में श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे चाहते थे कि प्रधानमंत्री इस्तीफा दे क्योंकि इससे उन्होंने अंतरिम सरकार बनाने और श्रीलंका में मौजूद संकट के समाधान का मार्ग प्रशस्त करने में मदद मिलेगी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। जैविक कचरे से चलने वाला भारत का पहला ईवी चार्जिंग स्टेशन किस शहर में शुरू किया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मुंबई शहर में। भारत के पहले जैविक कचरे से चलने वाले इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन केशव राव खड़े मार्ग मुंबई में किया गया है। महाराष्ट्र के पर्यावरण और पर्यटन मंत्री आदित्य ठाकरे ने 9 मई 2022 को इस चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन किया है। जैविक कचरे से चलने वाले इस चार्जिंग स्टेशन को विकसित किया है। बात करें इस जैविक कचरे से चलने वाले चार्जिंग स्टेशन को एरोकेयर क्लीन एनर्जी और बृहन मुंबई नगर निगम यानी BMC के वार्ड डी द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। किस संस्थान ने युवा टूरिज्म क्लब्स स्थापित करने की घोषणा की है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, CBSE ने। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी CBSE ने CBSE से संबंध यानी एफिलिएटेड सभी स्कूलों को युवा पर्यटन क्लबों के गठन के संबंध में निर्देश जारी किए हैं। पर्यटन मंत्रालय ने आज़ादी का अमृत महोत्सव समारोह के हिस्से के रूप में युवा पर्यटन क्लब शुरू किया है। इसका उद्देश्य भारतीय पर्यटन के युवा राजदूतों को पोषण और विकास करना है जो भारत में पर्यटन की संभावना के बारे में जागरूक होंगे और हमारी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को समझेंगे और पर्यटन के लिए जुनून विकसित करेंगे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। कृषि मंत्रालय ने PMFBY और KCC की तकनीकी सहायता के लिए किस संगठन के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, UNDP यानी यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम के साथ। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने हाल ही में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इस MOU के अनुसार UNDP प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और किसान क्रेडिट कार्ड संशोधित ब्याज सबवेंशन योजना के लिए तकनीकी सहायता प्रदान करेगा। UNDP पिछले 4 वर्षों से तकनीकी सहायता प्रदान कर रहा है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर किस शहर में बनाया जाएगा? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, वाराणसी शहर में। नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन यानी NSDC और UAE के DP वर्ल्ड के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं ताकि वाराणसी उत्तर प्रदेश में एक स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर विकसित किया जा सके। डीपी वर्ल्ड की भारतीय इकाई हिंदुस्तान पोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। अप्रैल 2022 में भारत की खुदरा मुद्रा स्फीति क्या है जिसने 8 वर्षों में अपने उच्चतम बिंदु को छू लिया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, 7.79%। अप्रैल 2022 में भारत की खुदरा मुद्रा स्फीति बढ़कर 7.79% हो गई है जो मुख्य रूप से ईंधन और खाद्य पदार्थों की बढ़ती कीमतों से प्रेरित है जो पिछले 8 वर्षों में अपने उच्चतम बिंदु को छू रही है। मई 2014 में पिछली उच्च 8.33% दर्ज की गई थी। 6.9% मुद्रा स्फीति मार्च के महीने में दर्ज की गई थी। चलिए चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस हाल ही में कब मनाया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 15 मई 2022 को। हर साल 15 मई को अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनाया जाता है। यह दिवस परिवारों द्वारा विकास में उनके द्वारा निभाई गई भूमिका को रेखांकित करता है। संयुक्त राष्ट्र परिवार को समाज की मूल इकाई के रूप में मान्यता देता है, इसलिए 1992 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने संकल्प के द्वारा 15 मई को अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस के रूप में घोषित किया था। चलिए चलते हैं
डेली वन लाइन करंट अफेयर्स को देखते हैं। बात करें नाटो के साइबर रक्षा समूह में शामिल होने वाला पहला एशियाई देश साउथ कोरिया देश बना है। बात करें बालाकृष्णन दोषी जी को भारतीय वास्तुकार को प्रतिष्ठित रॉयल गोल्ड मेडल 2022 से सम्मानित किया गया है। इंडिया देश को 2022-24 के लिए एसोसिएशन ऑफ एशियन इलेक्शन अथॉरिटीज़ के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। एक्सपीरियंस स्टूडियो ऑन ड्रोन्स नीति आयोग संस्था द्वारा शुरू किया गया है। बात करें हाल ही में सुर्खियों में रहने वाली जैव विविधता वाली आर्द्रभूमि सावा झील इराक देश में स्थित है। बात करें अगले मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में राजीव कुमार जी को नियुक्त किया गया है। हाल ही में फ्रैंक विल्जिक जो कि एक भौतिक विज्ञानी हो इनको टेम्पल्टन पुरस्कार 2022 मिला है। राज्य सरकार की चार योजनाओं की उपलब्धि का जश्न मनाने के लिए गुजरात राज्य में उत्कर्ष समारोह कार्यक्रम आयोजित किया गया था। कैटलिन नोवाक को हाल ही में हंगरी देश की पहली महिला और सबसे कम उम्र की राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन ऑफ द प्रीवियस डे की तरफ। पहला क्वेश्चन था किस देश ने दुनिया का सबसे लंबा कांच का पुल बनाया है। इसका सही आंसर था ऑप्शन नंबर डी वियतनाम देश में। बात करें क्वेश्चन टू की तो हाल ही में द स्ट्रगल फॉर पुलिस रिफॉर्म्स इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी है। इसका सही आंसर था ऑप्शन नंबर सी प्रकाश सिंह द्वारा। चलिए चलते हैं आज के क्वेश्चन ऑफ द डे की तरफ। पहला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य दिवस 2022 हाल ही में कब मनाया गया। क्वेश्चन टू देख लें आज का किस कंपनी को पछाड़ सऊदी अरब को दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी बनी है। इन दोनों क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना है। ऐसे ही डेली करंट अफेयर्स वीडियो के लिए आप अपने चैनल सटीक ज्ञान को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर कर दें, साथ ही में वीडियो को अपने दोस्तों के बीच आग की तरह फैला दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।